फिजिक्स सर थी मधुमिता मुखर्जी। आई प्रॉमिस बेटर स्कोरिंग इन फिजिक्स। अब हम एनर्जी के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। हम पहले ले लेते हैं क्वेश्चंस, क्वेश्चन देख के देखते हैं हमारा थ्योरी जो है वो समझ में आता है। मेरा क्वेश्चन सीटी का है 2014 का क्वेश्चन, 2014 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इजी है लेकिन एनर्जी के ऊपर है। मैं ये क्वेश्चन नंबर को 1 लिख रही हूँ, ठीक है। ए बॉडी ऑफ मास m, ए बॉडी ऑफ मास m इज रेज टू ए हाइट टेन आर्थ फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। Where r is the radius of earth? The increase in potential energy is g equal to universal constant likha, m equal to mass of earth and clear diya g equal to acceleration due to gravity. Option de diya g capital m small m by 11 r. B option g capital m small m by 10 r. C option m g r by 11 g. D option 10 g m by 11 r. क्या बोल रहा है? A body of mass m is raised to a height of 10 r from the surface of the earth, where r is the radius of the earth. ये जो एनर्जी वाला पार्ट है ना, मैं बताती थी हूँ, इसका बहुत सारा चर्चा है, बहुत टीचर ने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया। मैं मेरे तरफ से करती हूँ, इजीली करती हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है? ए मास इज रेज्ड टू ए हाइट ऑफ 10 आर। अगर एक मास तुम इधर से इधर लेके जाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? बचपन ने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी, आपने पढ़ा था एम जी एच, एच हाइट पे लेके गया, एम जी एच पढ़ा था। अभी एक 10 आर के बारे में बात कर रहा है तो ये तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, एच तो थोड़ा छोटा। आर के हिसाब से बात करें तो रेडियस ऑफ अर्थ इस कैपिटल आर, उसके हिसाब से बात करें तो काफी लंबा है। तो हम तो पढ़ चुके हैं ना, जी का वैल्यू चेंज हो जाता है उधर से। तो पोटेंशियल एनर्जी का भी कुछ अच्छा इक्वेशन हमें चाहिए। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? छोटू करके मैं थोड़ा बता दूं, एनर्जी फील्ड ये सब क्या होता है। ये तुम्हारा डियर अर्थ है, अर्थ है, एक मास है। ये मास अट्रैक्ट करता है, मास का एक प्रॉपर्टी है वो अट्रैक्ट करता है। दूसरा मास है तो उसको अट्रैक्ट करता है ना। दूसरा मास इधर है, ए बी इसको अट्रैक्ट करता है, ए बी इसको अट्रैक्ट करता है, वही तो है न्यूटन्स लॉ। नाउ समझो मेरा मास अर्थ है, अर्थ काफी बड़ा है, ये सब वैक्यूम है, स्पेस है। नाउ इसमें ये अर्थ का एक तो कुछ बाउंड्री होगा, जितना दूर तक इसका इन्फ्लुएंस काम करेगा। सपोज ये सारा जगह पे इसका इन्फ्लुएंस काम कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ तो एक बाउंड्री होगा जिसके आगे इसका इन्फ्लुएंस काम नहीं कर रहा है। सोचो इसके आगे इसका इन्फ्लुएंस काम नहीं कर रहा, ठीक है। अर्थ का कैपेसिटी, ये कैपेसिटी मास के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये तुम्हारा मास जो है वो अगर मून है, उसका वो जो रीजन है जिधर उसका ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा वो और थोड़ा छोटा होगा। अर्थ के लिए इतना ज्यादा जगह मैंने सिलेक्ट कर लिया जिधर इसका इन्फ्लुएंस काम करता है। इसको क्या बोलते हैं? ये रीजन को ग्रेविटेशनल फील्ड, ए दिस बॉडी एक फील्ड क्रिएट करते हैं। तुम भी तो करते हो, तुम्हारा फील्ड होता है ना, तुम्हारा इन्फ्लुएंस होता है ना तुम्हारा दोस्त के ऊपर, वो तुम्हारा फील्ड है। और तुम्हारा इन्फ्लुएंस के बाहर भी बहुत सारे लोग होते हैं जिसके ऊपर तुम्हारा फील्ड काम नहीं करता। सेम है इसका फील्ड ए है, इसी में और कोई मास आ जाए तो ये अट्रैक्ट करेगा, इसके बाहर ये मास आए तो कुछ नहीं कर पाएगा। बाहर है, इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है इसके बाहर, ठीक है।
ठीक है। अभी ये जो बाउंड्री मैंने दिया, इस बाउंड्री को ए वाला जगह पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉडी इक्वल टू जीरो, मतलब सारा एनर्जी जीरो है, एनर्जी इज जीरो, टोटल एनर्जी इज जीरो। इधर एक बॉडी है जिसके ऊपर इसके कारण ना तो कोई पोटेंशियल एनर्जी है ना तो कोई काइनेटिक एनर्जी है। अभी पोटेंशियल एनर्जी है क्या चीज? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, थोड़ा स्टोरी सुनो। ये वाला चीज इधर है, ये कैप इधर है, इसका एनर्जी कितना है? फिलहाल जीरो है। ये वाला मैं इधर लेके जाई, इधर से इधर लेके आई, इसके अंदर कुछ एनर्जी है? पता नहीं ना, छोड़ दो, गिर गया ना, कोई स्पीड से गिर गया, जस्ट छोड़ दिया, स्पीड से गिरा, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी नजर आया। एक काइनेटिक एनर्जी किधर से आया? इधर से आया ना, तुमने इसको उठाया, इसीलिए तो काइनेटिक एनर्जी आया इसमें। और इधर जब पकड़ के रखे हो, यही काइनेटिक एनर्जी, सपोज इधर किया, ये वाला काइनेटिक एनर्जी 5 जूल है, समझ लो, तो आप इधर पकड़ के रखा ना, इसमें पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल, ऐसे बोलते हैं। यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो गया, समझ में आया। ए वाला तुम्हारा ग्राउंड पॉइंट है, ए वाला पॉइंट बेस पॉइंट मान लो, इधर से नीचे गिरेगा तो नीचे वाला पॉइंट बेस पॉइंट हो जाएगा, ये सब पता है। तो ए वाला काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट इन्फ्लुएंस के बाहर जिधर है वो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। नाउ वन मोर थिंग, स्टोरी के कहानी में ले लो, ए वाला मास जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, वो ऑलवेज अट्रैक्टिव है, कभी रिपल्सिव नहीं है, कभी नहीं। आप अगर चार्ज के बारे में जब बात करेंगे, हम दो इक्वल चार्ज, मतलब दो पॉजिटिव चार्ज रिपल करेगा, जब मैग्नेट के बारे में बात करेंगे, दो इक्वल पोल, नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, ये सब आप थोड़ा बहुत जानते हो, हम थोड़ा बहुत और डिस्कस करेंगे। लेकिन एज लॉन्ग एज दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉन्सर्न्ड, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है। तो ए बॉडी कोई कारण इधर आ गया, फील्ड में घुस गया, तो दिस विल बी अट्रैक्टिव, एक अट्रैक्टिव फोर्स इसमें आएगा। इसको इधर खड़े रखने के लिए मुझे एक फोर्स देना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। अच्छा सुनो, उतना स्टोरी अभी नहीं बताएंगे, स्टोरी लंबा हो जाएगा। ये अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। इसका एक इक्वेशन होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला सब होता है कि फोर्स इज, आपको पता है, gmm/r². अभी इन्फिनिटी से थोड़ा सा दूरी पे लेके आओ, कितना काम करना पड़ेगा, ये सब करके r^-r ऊपर आएगा तो -2 होगा, इंटीग्रेशन होगा तो -2 + 1 हो जाएगा, नीचे आएगा 1/r, उतने माइनस है। अगर ये समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भूल जाओ, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप याद रखो, -gmm/r, कब? जब आपका फोर्स इज gmm/r². एक r क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन m एंड m, समझ रख पाओगे। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, वेयर एज f इक्वल टू gmm/r². बस इतना याद रखो आज के दिन पे, तो मेरा काम बन जाएगा। थियोरी जब डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिस्कस करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, सब कुछ करेंगे, सिखा देंगे। अभी जो क्वेश्चन मेरे सामने है वो सॉल्व करने के ए वाला फॉर्मूला याद रखो, ये तो तुमको पता ही है, पोटेंशियल एनर्जी इज दिस, ए बॉडी ऑफ मास में रेज टू ए हाइट ऑफ 10 r फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं mgh होता है। तो मैं इन सब निकल देती हूँ, इन सब कहानी, राम कहानी अभी मैं निकल देती हूँ, निकल दे के मैं बोल रही हूँ,
इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मेरे को लेके गया एक बॉडी, दिस डिस्टेंस इज 10 आर। तो बोला है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्विवेलेंट। अच्छा, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ज्यादा बातें मत करो, ज्यादा बातें मत करो, कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। इधर एक पोटेंशियल एनर्जी 1 है, इधर एक पोटेंशियल एनर्जी 2 है। इधर का U1 लिख लेते हैं, इधर का U2 लिख लेते हैं, क्योंकि U से जनरली पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एट दिस पॉइंट दिस इज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये जो सेंटर ऑफ अर्थ है, दिस इज अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ शायद इधर है, इधर से दिस इज अर्थ। तो U1 अगर मैंने लिखू -GMM बाई आर, आपको कुछ आपत्ति है? नहीं है ना। U2 मैंने अगर लिखो -GMM बाई आर प्लस एच, आपको कुछ आपत्ति है? नहीं होना चाहिए। तो बोला है इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U, कहां से कहां लेके गया? इधर से इधर लेके, इधर से इधर ले, तो इधर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। तो इधर से U2 माइनस U1 कर लो, -GMM डिवाइडेड बाय R प्लस H माइनस माइनस ऑफ -GMM बाय R। आपत्ति तो नहीं होना चाहिए। -GMM बाय R प्लस H, R प्लस H कर लो 11R, 11R माइनस माइनस प्लस GMM by R कर लो। GMM by R कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस 1 अपन 11, क्या होता है GMM by R इंटू 10 by 11। ऐसा कुछ ऑप्शन है 10 by 11 GMM by R? डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। देखो कहानी लंबा करने से बहुत लंबा हो जाएगा, हमें इस क्वेश्चन पे लाना है, फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज आपको चाहिए, दैट इज दिस। कैसे आता है मैडम? अभी नहीं डिस्कस करेंगे, आता है। क्योंकि जैसे मैंने बोला फोर्स होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपको फोर्स देता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके आपको वर्क मिल जाता है, वही वर्क आपका पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज बता देता है। इधर से इधर जाने में कुछ काम किया, चेंज ऑफ एनर्जी इज योर वर्क। ठीक है, तो कितना इंक्रीज किया पोटेंशियल एनर्जी, वर्क में भी मत जाओ, इतना ज्यादा सोच मत सोचो। यू आर एट दिस पॉइंट आपका पोटेंशियल एनर्जी इज दिस, एट दिस पॉइंट योर पोटेंशियल एनर्जी इज दिस, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, जिधर से लिया जिधर तक लिया, अप पॉइंट से नीचे पॉइंट, ऊपर वाला पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, एम जी एच होता है, ऊपर वाले में ज्यादा होगा, ऊपर वाले से नीचे वाले का पोटेंशियल एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करने से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखोगे, हमेशा माइनस याद रखना। आगे भी बातें करेंगे इसके लिए, लेकिन अभी फिलहाल ये तुमको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लास्ट 20 इयर्स क्वेश्चंस आई हैव एक्सप्लेन लाइक दिस, इट बेनिफिटेड टू वॉच।